बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 8th का मैथ हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है उसके मुताबिक यूनिट नंबर 4 हमने इसका स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन ए फैक्ट्री 49 वर्कर मेक्स 1050 आर्टिकल्स इन 10 आवर्स। वन डे 4 वर्कर्स वर एबसेंट। In how many hours can remaining workers make 1350 article? फिर देख ली क्वेश्चन, in a factory 49 workers make 1050 articles in 10 hours. एक फैक्ट्री में उसमें 49 workers article make करते हैं, बनाते हैं in 10 hours 1050 यानी 1050 article बनाते हैं। वन डे 4 वर्कर्स वर एबसेंट, एक दिन 4 वर्कर यानी कितने वर्कर मिस है, 49 वर्कर में से 4 वर्कर मिस हो गए तो कितने वर्कर रह गए, 45। याद रखिए इन्फॉर्मेशन को जहन में रखना है, 4 वर्कर्स वर एबसेंट तो 49 टोटल थे तो 4 माइनस करते हैं 49 में से 45 रह गए। वर एबसेंट इन हाउ मैनी हावर्स, तो क्या पूछे जा रहे हैं हमसे, इन हाउ मैनी हावर्स इनका मतलब घंटे हमने बताने हैं। रिमेनिंग वर्कर याद रखिए मैंने आपको बताया 49 में से 4 माइनस करते हैं 45 वर्कर रिमेनिंग रह गए, 45 वर मेक 1350 आर्टिकल, तो ये आर्टिकल है यानी जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं 45 वर्कर्स जो असल में रह गए, 4 नहीं मिस्टेक नहीं कर देनी, 4 नहीं 45 रिमेनिंग, 49 में से 4 एबसेंट थे 45 रह गए, 45 वर्कर्स 1350 आर्टिकल्स कितने घंटों में बनाएंगे तो घंटे हमने बताने हैं। ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, हम उसका डाटा लिख लेते हैं, हावर्स आर्टिकल्स एंड वर्कर्स। 10 हावर्स थे, आर्टिकल जो बने उसमें मेक्स लिखा हुआ था अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा 1050 और वर्कर कितने थे 49। फिर नेक्स्ट में हमें बताया गया कि आर्टिकल हो गए 1350, वर्कर 4 वर एबसेंट तो 49 में से 4 एबसेंट करते रिमेनिंग कितने रहेगी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन में आपको बात बताई कि क्या लिखा है 45 वहां पर कहीं लिखा नहीं हुआ लेकिन 49 में से 4 एबसेंट करते तो कितने रह जाते 45। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना था हाउ मेनी हावर्स कितने घंटे लगेंगे इन रिमेनिंग वर्कर्स को जो कि 45 है 1350 आर्टिकल लिखते हुए कितने घंटे लगेंगे, तो घंटे हमने फाइंड करने तो उसको हमने अल्फाबेट में से नाम दे दिया एक्स। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ एक्स अगर नहीं आप देना चाहते वाई कह दें, स्मॉल टी कह दें, स्मॉल जी कह दें, कोई भी नाम यहाँ पर आप इसको कैसे अल्फाबेट में से हमने नाम दे दिया इसको। एंड देन अब इसमें ये रेशियोज का शायन आपने डालना है, ठीक है ना, याद रखिए पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। अब हमने करना क्या, जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना है ये वो वैल्यू है, इसका आपने एक दफा ये मिड वाली वैल्यू से कंपैरिजन करना है, फिर इसी वैल्यू का इस लास्ट वाली वैल्यू से कंपैरिजन करना है कॉलम वाइज। तो इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, ये एरो कहां से डलेंगे ये मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए इसमें मैंने हाथ रख लिया क्योंकि इसको समझ लें कि ये जो वर्कर्स हैं ये कांस्टेंट है, यानी वर्कर कांस्टेंट है हमारे पास, वर्कर को या तो कांस्टेंट समझ लें कि एक वर्कर एक बराबर है कांस्टेंट है, तो हमारा फोकस सारे इस वक्त हावर्स एंड आर्टिकल पर है। तो जब 10 हावर्स थे कितने आर्टिकल लिखे गए 1050, अब देखें 1050, अब आर्टिकल क्या हो गए 1350, 1350 आर्टिकल क्या हो गए ज़्यादा हो गए, 1050 आर्टिकल लिखे गए 10 घंटों में, आर्टिकल क्या हुए इंक्रीज कर गए ज़्यादा हुए, तो घंटे भी क्या लगेंगे कम लगेंगे ज़्यादा, घंटे भी याद रखिए ज़्यादा लगेंगे, तो दोनों में प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सेम डायरेक्शन है, पहले भी आपको कह चुका हूँ एक ही डायरेक्शन में बात हो रही हो, दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं याद रखिए, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस बात को याद रखना है, दोनों अपवर्ड्स हो दोनों डाउनवर्ड, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, याद रखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले भी ये बात बताई हुई डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही हो दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, या एक वैल्यू डिक्रीज कर रही हो और दूसरी वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, यानी उल्टा रब बन रहा है, उल्टा ताल्लुक इसमें बन रहा है आपस में, तो इस वक्त हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना होगा इसको आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे, उसकी जो ऊपर वाली वैल्यू याद रखिए उसकी ऊपर वाली वैल्यू उसको उसके डिनोमिनेटर में लिख दें एंड इक्वलिटी डाल देंगे, हर क्वेश्चन में ये काम तो आपको करना ही होगा, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखें, जिस वैल्यू से हमने ऊपर वैल्यू उसकी आ रही है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया एंड इक्वलिटी का साइन डाल दिया। अब जिस साथ हमने इसका कंपैरिजन किया जो काम हमने यहाँ पर किए, देखिए इस वैल्यू को हमने कहाँ लिखा न्यूमिनेटर में, सेम इस वैल्यू को भी
ये सामने इसकी वैल्यू आ रही है 135, इसको भी आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है वो इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1050 एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। यहाँ तक करने के बाद वापस आ जाएं, आपने इसका कंपैरिजन कर ली है इस वाली वैल्यू का, अब इस वैल्यू में हाथ रख देता हूँ, यानी समझ लें कि आर्टिकल कॉन्स्टेंट आर्टिकल एक बराबर है दोनों सूरतों में। अब देखिए जब वर्कर 49 थे तो कितने घंटे लिखे, आर्टिकल जैसे मैं आप कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट कंसिडर करके आर्टिकल एक बराबर है, 49 वर्कर्स ने 10 आवर्स लिए आर्टिकल लिखने के लिए, आर्टिकल समझे सेम है। अब वर्कर क्या हो गए, वर्कर इंक्रीज तो नहीं कर गए, एरो इसी वजह से डाउनवर्ड किए हुए, वर्कर क्या हो गए आप 49 से क्या हो गए 45 डिक्रीज कर गए, तो आवर्स क्या होंगे 49 बंदों को 10 घंटे अगर लगते हैं तो 45 बंदों को कम घंटे लगेंगे उस चीज़ को करने के, नहीं 45 को दो से भी ज़्यादा लगेंगे तो ये तो इंक्रीज कर जाएगा, आवर्स तो ज़्यादा लगेंगे लेकिन वर्कर्स क्या हो गया, वर्कर्स में क्या है डिक्रीज, तो एक चीज़ इंक्रीज कर गई एक चीज़ डिक्रीज कर गई, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये और ये वाला जो केस अभी बने। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में फिर ये होता है कि आपकी जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये आप न्यूमिनेटर में लिखते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है इसके ये आप लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है याद रखिए इसका, ये करेक्ट कर लेते वादे पड़ जाए वो हाथ लगने की वजह से राइटिंग मिट गई थी 1350। एंड देन अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये देखिए 10 यहाँ क्या हो रही है डिवाइड हो रहा है, इस तरफ पे आके वैल्यू क्या हो जाएगी साथ में मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं इसकी कटिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ से कटिंग में स्टार्ट करता हूँ, 5 9 45 5 2 10 ये कटिंग कर ली हमने। अब 2 1 2 2 5 10 2 2 4 1 कैरी हो जाएगी क्योंकि 5 2 5 10 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं अगर फिर इसमें कटिंग हो रही हो किसी एक जगह से, तो देखिए इधर अगर हम देखें 7 7 49 49 ये 52 था तो 3 कैरी हो गया, 7 5 35 एंड 7 7 49 होती वैल्यू। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर फिर कटिंग हो सकती है इसमें किसी टेबल से ईजिली, अगर कटिंग हो रही हो देखिए 5 2 10 3 कैरी 35 है, 5 7 35 और साथ में क्या आ गया 0, ये जो 0 बचे। और यहाँ पर देखिए 5 1 5 कितने कैरी 2 कैरी, तो 2 कैरी हो गए यहाँ पर वैल्यू, 5 1 5 2 कैरी तो 5 5 25 यहाँ तक की वैल्यू होगी। अब देखिए 9 1 9 9 30 क्या होता है 270 एंड देन 15 1 15 15 2 30 तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यू रहेगी सिर्फ 1 15 1 15 15 2 30 की हमने, और न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू 2 7 1 तो 2 7 14 14 1 14 तो हमारे पास कितने हावर्स आ गए 14 hours, तो एक्स हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज 14 hours। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया, क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।